राजस्थान में आरएएस मेंस परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग चल रही है और विश्वविद्यालय कैंपस में मैं हूँ। कई दिनों से लगातार इस पर इन लोगों ने बीजेपी कार्यालय में जाकर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष से भी बात की, हमारे साथ कुछ मौजूद। रोहित जी, क्या क्या वजह है कि आप इसको स्थगित करने की मांग कर रहे हैं? अध्यार्थियों को इलेक्शन की वजह से, जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको, अध्यार्थियों को गवर्नमेंट के जो इलेक्शन थे उसकी वजह से कुछ समय के अंदर गवर्नमेंट ड्यूटी लगा दी गई थी और कुछ समय पहले ही इनको मेंस प्री परीक्षा होते ही इनको मेंस का आश्वासन दिया कि हम आपकी 3 महीने के अंदर मेंस करवाएंगे। मेंस का टाइम आज से पहले, जो भी एकेडमिक कैलेंडर होता है, मैं तो पहले आरपीएससी से और सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी आईएएस का, यूपीएससी का जो एकेडमिक कैलेंडर जारी होता है, वैसे ही आरएएस परीक्षा को और राजस्थान के अंदर जो भी भर्तियाँ होने वाली है उनका एकेडमिक कैलेंडर जारी करो, ताकि बच्चों के साथ जो पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर दुर्व्यवहार हुआ है और घटनाएं हुई है, उससे पूरा भविष्य इनका बर्बाद हो जाता है। गरीब तबके से आने वाले लोग रहते हैं, कर्ज लेके पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार नहीं बनी है, आरपीएससी के जो वही मेंबर है जो कांग्रेस सरकार के अंदर भ्रष्ट थे, उन्हीं को नियुक्त कर रखा है। आज उन्हीं की वही एजेंसी है जो पहले पेपर कराती थी, आज भी वही एजेंसी करा रही है। तो कैसे युवा विश्वास कर लेगी आज पेपर लीक नहीं होगा? आने वाले समय के अंदर भी पेपर लीक होगा, इनका तो भविष्य है। छुट्टी लेके, कर्ज लेके पढ़ता है बच्चा, उसके बाद में भी पेपर लीक की घटना है। बीजेपी सरकार को युवाओं ने इसलिए चुना, इन्होंने सबने मिलके, हमने भी इसलिए चुना कि हम सब युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं आगे होगा। लेकिन हम आज ये देख नहीं सकते कि जो आरपीएससी के मेंबर हैं बने हुए पुराने, उनको ना तो बर्खास्त किया, उनको हटाया जाए। आप इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं लक्ष्य जी, क्या लगता है कि क्या उस सरकार आपकी बात क्यों नहीं समझ पा रही, क्या वजह आ रही इसके पीछे? देखिए, लगातार 1 महीने से सरकार हमको आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया उसके अगले ही दिन जाकर हम उनसे मिले थे और उन्होंने हमको इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि इसी बात के लिए, इसी मुद्दे पर हमारी सरकार सत्ता में आई है और हम आपकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे। लेकिन लगातार 1 महीने से उनका आश्वासन ही मिलता जा रहा है। हमारी उनसे कहीं 10 बार मुलाकात हुई है, लगातार सत्ता के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सरकार पर नए लोग होने के कारण से ब्यूरोक्रेसी का दबाव है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, इस बात का चिंतन मंथन होना चाहिए। लगातार हमको मौखिक आश्वासन दिए जा रहे हैं लेकिन हम लोग मौखिक आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं। लगातार ऐसी अफवाहें आ रही है कि हमारी मांगें मान ली गई हैं, जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आरपीएससी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करती। कितनी बड़ी संख्या में लोग होंगे, शामिल होंगे, जो लोग चुनाव की ड्यूटी में थे, जिनका प्रभावित सबका हुआ है कि कुछ लोगों का हुआ है? देखिए, लगभग 19,000 अभ्यर्थी हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम पास करके और मुख्य परीक्षा देने वाले हैं। लाखों की भीड़ में से चुन करके ये हजारों विद्यार्थी आए हैं जिन्होंने अपने जवानी के कई महत्वपूर्ण साल इस परीक्षा को दिए हैं। इसमें लगभग 6,500 के आसपास गवर्नमेंट कर्मचारी भी हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने पहली बार इस एग्ज़ाम को पास किया है और इसका इतना बड़ा सिलेबस हो देखते हुए 25 से 30 सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने के लिए और ज़्यादा समय की डिमांड रहती है और 3 महीने का समय जो है बिल्कुल अपर्याप्त है। पिछले अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 2 बार 11-11 महीने का समय दिया गया, 7 महीने का समय दिया गया, 5 महीने का समय दिया गया, तो अब क्यों 3 महीने में कराने की सरकार को जल्दी है? इसके अलावा अगर आप देखें तो जो जिनकी चुनाव में ड्यूटी थी उनको भी बहुत कम समय मिला, 3 महीने अपर्याप्त थे, तो लगातार चुनावी ड्यूटी के अंदर और सरकार की यात्रा। किरोड़ीलाल मीणा जब आप लोगों के साथ मिले थे मुख्यमंत्री से, उनका कहना था कि 5 महीने का समय देना चाहिए, 5 महीने ही वाजिब है या 3 महीने या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, 5 महीने 3 महीने का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि आरपीएससी यूपीएससी के पैटर्न पर अगर करवाती है, 1 साल पहले अगर परीक्षा का टाइम टेबल जारी करती है और ये कहती है कि हम प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 3 महीने का ही समय रखेंगे, लेकिन उसकी सूचना और सिलेबस की सूचना 1 साल पहले टाइम टेबल बना करके शेड्यूल के साथ में देती है, तो हम लोग तैयार हैं, 3 महीने के लिए भी तैयार है, 2 महीने के लिए भी तैयार है। लेकिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद में अगर आप ये नोटिफिकेशन जारी करते हो कि मेंस कब रहेगा, उसके सिलेबस में कुछ परिवर्तन करते हो, तो ये बिल्कुल छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी। और इसके अलावा आप देखिए, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि मतलब जो राजस्थान की जो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने सबने हमारे को समर्थन दिया है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी फैसला नहीं ले पा रहे, और मुख्यमंत्री जी जब भी, वजह लगती है आपको, वजह क्या लगती है? आप लोग की मांग सही नहीं है या उनको लगता है कि मांग गलत हो रही है? मांग हमारी बिल्कुल जायज़ है और मुख्यमंत्री जी को भी जायज़ लग रही है। हमने सीएस से बात की, सीएस को भी मांगे जायज़ लगी है, डीओपी के जो अधिकारी है उनको भी ये जायज़ लगी है, परंतु वो इस बात को लेकर पता नहीं क्या, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने हाईजेक कर रखा है सीएस, मतलब सीएम वगैरह को। आपका क्या कहना है? सर, जब हमने ये मुहिम शुरू की थी तो आज जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन सब ने हमारे पक्ष में सीएम को लेटर लिखा था कि इनकी मांग वाजिब है और इनकी डेट है वो बढ़ाई जानी चाहिए, और सीएम साहब ने हमें खुद आश्वासन किया था कि जल्दी ही हम कैबिनेट की मीटिंग करेंगे और बहुत जल्द डिसीजन आपके पक्ष में आएगा, आप आराम से घर जाओ। जब हमें लगा कि बहुत समय हो गया हमारा डिसीजन पक्ष में नहीं आ रहा है, तो हम मजबूर होकर यहाँ आरएओ में आना पड़ा। अब जैसे सीएस है हमारे,
सुधांशु पंत साहब है और आरपीएससी सेक्रेटरी है, वो कह रहे हैं कि हमने पर्याप्त समय दिया है, जबकि उनको पता है विवेक से देखें तो जितना सिलेबस है विद्यार्थियों को बहुत कम समय मिला है। सीएम साहब हमारे पक्ष में, हम सीएम साहब के विरुद्ध नहीं है, सीएम साहब हमारे पक्ष में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सीएस को कन्विंस करो। अब सीएस तो हम कन्विंस क्यों करें, सीएस की बात तो सीएम साहब और सीएस आपस में डिस्कस करके और डिसीजन लें, और अगर इतनी ज़्यादा अफसरशाही हावी है तो मुझे लगता है कि ये सर लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मेरी अपील है सीएम साहब आके क्लियर कर दे कि एग्जाम पोस्ट होगा कि नहीं होगा। ये बताइए अब क्या, अब अगर बात नहीं मानी गई तो क्या करेंगे आप लोग, क्या आगे की रणनीति क्या है? पढ़ाई प्रभावित हो रही है, परीक्षा सामने है, और ये तमाम लोग कह रहे हैं कि वही लोग सेटर हैं, पेपर सेटर हैं जो पहले कांग्रेस सरकार में भी रहे, तो क्या लगता है आप लोगों का कहीं भविष्य फंस गया है, क्या दिक्कत लग रही है, क्या समझ में आ रही बात? देखिए सरकार की और ब्यूरोक्रेसी की अनदेखी और मनमानी से ज़्यादा बड़ी हमारी सरकार से उम्मीदें हैं, ज़्यादा बड़ा हमारा हौसला है। हमारे 6 साथी जो हैं भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, पिछले कई दिनों से मैंने अपने चप्पल जूतों को छोड़ रखा है, पदवेश का त्याग कर रखा है, जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती तब तक मैं अपने पैरों में पदवेश धारण नहीं करूँगा। इसके अलावा आज शाम को सांकेतिक फांसी हम लोग करने वाले हैं, और शाम को भगवान राम के चित्र के आगे हम सब लोग एक महाआरती का आयोजन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो सरकार को और ब्यूरोक्रेसी को सद्बुद्धि दे और ताकि हमारी जल्द से जल्द मांगों को कार्रवाई किया जाए। आपका क्या कहना है? मेरा नाम रामस्वरूप है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आरपीएससी कह रही है कि हम इसी डेट को लेंगे, तो आप आरपीएससी 2024 और 25 का कैलेंडर जारी कर दो पहले। आप एकदम यूपीएससी की तौर पर करवाना चाहते हो एग्जाम को, हम मान रहे हैं आप करवाओ, लेकिन आप यूपीएससी एक साल पहले लड़कों को बता देती है कि इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन मेंस होगा, इस दिन इंटरव्यू होगा, और आप ये मतलब आप 3 महीने पहले मेंस की डेट जारी कर रहे हो और इस और उसके बाद में बोल रहे हो कि मतलब कि अभी हम तो इसी डेट को करवाएंगे, इसी डेट पर हम रहेंगे, ये ऐसा थोड़ी होगा। आप यूपीएससी के तौर पर करवाना चाहते हो, आप क्या कह रहे हैं इस पर? सर ये जो सरकार है ये इसी मुद्दे पर चुनाव जीत के आई है। ये जितने भी युवा यहाँ बैठे हुए हैं इन सब ने अपने दम पे इस सरकार को सत्ता में लाने का कार्य किया है, क्योंकि पिछली सरकार ने इसी जगह पे हमारी इन्हीं मांगों को अनदेखा किया। हमसे ये सरकार के जितने भी आज बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे सतीश मुनिया देख लीजिए आप, चाहे राज्यवर्धन राठौड़ देख लीजिए आप, चाहे राजेंद्र राठौड़ देख लीजिए, किरोड़ीलाल मीना जी देख लीजिए, वसुंधरा राजे जी देख लीजिए, उन सब ने यहाँ आके हमें आश्वासन दिया कि हमारी सत्ता में आपके साथ इस तरह का कोई अन्याय नहीं होगा। आज जब हमने इनको सत्ता में बैठा दिया है तो आज फिर हमें ये अनदेखा कर रहे हैं। क्या युवा, आज ये युवा जो जिन्होंने सरकार को वोट दिया है वो ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत पार्टी को वोट दे दिया है। जिन मुद्दों पर आप आए हो, जिन मुद्दों को आप लेके राजस्थान में घूमे हो, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से आह्वान किया था कि युवाओं के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं होगी, आज युवा जब मोदी के नाम पे वोट देता है तो वो युवा यहां सड़कों पे बैठा हुआ है, कुछ लोग तो मरने को। ये चीज बताइए, आप लोगों की बात इतनी साफ साफ है, किरोड़ी लाल मेड़ा भी मुख्यमंत्री से मिल रही है, इनका कहना मुख्यमंत्री कन्विंस है, केवल सीएस के लेवल पर चीजें नहीं बदल पा रही, क्या वजह क्या होगी? सर सीएस एक यूपीएससी से आए हुए कैंडिडेट हैं, यूपीएससी और आरपीएससी दो अलग अलग संस्थाएं हैं, मैं यूपीएससी और आरपीएससी का कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। यूपीएससी में ज़्यादातर क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ जो बहुतायत में स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। दूसरा, यूपीएससी का एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होता है, एक साल डेढ़ साल पहले वो अपना पूरा कैलेंडर जारी करता है, उसके बाद वो एग्जाम्स कराता है, तो विद्यार्थी आज अगर सोचेगा तो वो 2025 के एग्जाम की तैयारी के लिए सोचेगा, लेकिन यहाँ हमें ये पता ही नहीं है कि 2025 में वैकेंसी भी आने वाली है, 2026 में वैकेंसी आने वाली है, 2026 में आएगी तो वो क्या पता वो टाइम भी देने वाले हैं या नहीं है। तो इस तरह की मानसिकता के साथ व्यक्ति तैयारी करे तो कैसे करे? आप बताइए वो किस तरह से रणनीति बनाए कि मैं 2 साल में पेपर दूंगा, मैं 5 साल में पेपर दूंगा। आप कैलेंडर जारी कर दीजिए, आप ये बता दीजिए कि हम तो 3 ही महीने देने वाले हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये धरने ना तो जीवन में कभी होंगे और ना यहाँ कोई बैठना चाहता है, ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं साहब, ये यहाँ क्यों बैठना चाहेंगे? सरकार ने उलझा रखा है, सरकार ने उलझा रखा है, आरपीएससी ने उलझा रखा है। आरपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम कराती है 3 महीने में, उसके बाद तुरंत रिजल्ट जारी करती है, उसके बाद कहती है कि 3 महीने में आप मेंस का एग्जाम दे दीजिए। 30 सब्जेक्ट्स का सिलेबस, आप यूपीएससी से बड़ा सिलेबस आरपीएससी का है। यूपीएससी में केवल आपको इंडियन लेवल का पढ़ना पड़ता है, यहाँ हमको राजस्थान अलग से कवर करना पड़ता है, वहाँ सब्जेक्ट क्वालिफाइंग है, यहाँ सब्जेक्ट के भी मार्क्स ऐड होते हैं, यहाँ 2-2 सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है, हिंदी और इंग्लिश को भी आपको उतने ही वेटेज के साथ पढ़ना पड़ता है। तो आप मुझे बताइए, जब इतना लेंथी सिलेबस, इतनी डाइवर्सिटी उस सिलेबस में है, उसको कवर करने के लिए क्या अभ्यर्थी 5 महीने के समय की मांग भी नहीं कर सकते? आपने पिछली बार जितनी भी वैकेंसी कराई है उनमें 11 महीने, उनमें 5 महीने, उनमें 7 महीने का समय आपने दिया है। आप एक तरफ कहते हैं कि आप संवैधानिक संस्था है, संविधान में तो यह भी लिखा हुआ है कि लोक नियोजन में अवसर की क्षमता होनी चाहिए। एक अभ्यर्थी जिसने 2018 में पेपर दिया है उसने 11 महीने पढ़ाई करके पेपर निकाला है,
और एक अभ्यर्थी जो यहाँ 3 महीने पे पेपर निकालेगा, कैसी समता है साहब? ये 11 महीने और 3 महीने कैसी समता होगी सरकार? आपकी बात, ये यहाँ पर ये वो लोग हैं जो आरएएस मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं, इनका कहना है कि समय इनको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से इन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिला है और न ही इस पर रोक लगाई जा रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय कैंपस में वो छात्र, वो अभ्यर्थी जो उसमें अपीयर हुए हैं प्री की परीक्षा में, वो बैठे हुए हैं और इनकी मांग लगातार सरकार से, सीएस से हो रही है। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।